थाईलैंड के संकटग्रस्त प्रधानमंत्री यिंगलक शिनावात्रा ने सोमवार को संसद भंग कर दी और मध्यावधि चुनावों का आह्वान किया। वहीं बैंकॉक में हजारों प्रदर्शनकारी देश चलाने के लिए पीपुल्स काउंसिल बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। शिनावात्रा ने टेलीविजन पर दिए गए एक बयान में कहा कि सभी पक्षों की बात सुनने के बाद मैंने संसद भंग करने के लिए शाही आदेश का अनुरोध करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 500 सदस्यीय निचले सदन के लिए आम चुनाव 60 दिनों के भीतर या 2 फरवरी 2014 से पहले होंगे। यूक्रेन में विपक्ष ने राजधानी के केंद्र में स्थित सरकारी कार्यालयों के सारे इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। राष्ट्रपति कार्यालय के पास भी विपक्षियों ने तंबू गाड़ लिए हैं। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए दंगारोधी पुलिस ने 200 जवानों ने मोर्चा संभाला है। इससे पहले रविवार को हजारों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने राजधानी कीव में सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन की प्रतिमा को गिराकर तोड़ दिया था। प्रदर्शनकारियों ने ऐसा राष्ट्रपति के रूस के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़ने की योजना के मद्देनजर विरोध स्वरूप किया गया। सिंगापुर में एक भारतीय कामगार की रविवार को बस से हुई टक्कर से मौत के बाद भड़की हिंसा में 400 से अधिक लोगों का पुलिस के साथ जमकर संघर्ष हुआ, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उग्र भीड़ ने वाहनों को आग लगा दी। इस मामले में पुलिस ने 28 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लुंग ने हिंसा की इस घटना को बेहद चिंताजनक बताया है। उत्तर पूर्व इराक में एक कैफे के पास सोमवार को कार बम विस्फोट में 11 लोग मारे गए और 23 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि विस्फोट राजधानी से 60 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बहरीज में हुआ। ये कैफे सरकार समर्थित साहवा मिलिशिया के सदस्यों में बहुत लोकप्रिय है।